तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हाँ जाहिद जी, जाहिद जी, जमशेदपुर में कोविड को लेके जांच किया जा रहा है, क्या क्या खबर है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जमशेदपुर में लगातार कोविड जांच जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज फिर से साक्षी गोलचक्कर बाजार के पास IDSP के तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, कोरोना जांच किया जा रहा है, जिसमें जो भी लोग बाजार में आ रहे हैं बिना मास्क में, उन लोगों का भी जांच हो रहा है, जो मास्क पहने हैं उन लोगों से पूछताछ करके जांच किया जा रहा है, मगर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कोरोना चले गया है, मगर ऐसा नहीं है, और बिना मास्क में लोग दिख रहे हैं, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, सब बिना मास्क में जो दिख रहे हैं उन लोगों को पूछताछ कर या पकड़ पकड़ कर कोरोना जांच कराया जा रहा है। जब हमने वहीं पे IDSP के एक सदस्य से बात किया, उसने कहा है हम लोगों को काफी परेशानी होती है, इसलिए हम लोगों को पुलिस की मदद लेना पड़ता है, और हमारा 100 टारगेट है, जो 100 टारगेट रोज पूरा हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 100 यूनिट का टारगेट जब पूरा हो जा रहा है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं लोग नहीं जागरूक है, तभी इस तरह का कोरोना जाँच हो रहा है, इतने इतने लोगों का जाँच हो रहा है। जी कोविड टीकाकरण का क्या स्थिति है जमशेदपुर में? देखिए कोविड टीकाकरण जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया है वहाँ वहाँ कोविड टीकाकरण भी चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, वो भी जारी है, मगर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहे, लोग नहीं मानते हैं, कल भी अभियान चलाया गया था, आज फिर कैंप लगा करके भी 100-100 टारगेट हो जा रहा है पूरा, मतलब समझिए कहीं ना कहीं काफी कमी है जमशेदपुर में, तीसरा लहर आने का संभावना खुद यहाँ की जनता दे रही है। जी 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 जाहिद जी, खबर के लिए बने रहिए जमशेदपुर से, सोना न्यूज के लिए। जी ये IDSP ऑफिस है, वहीं से सारे शहर में हर एक केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे सब जगह कोरोना की टेस्ट होती है, और यहाँ पे हम लोग ये साक्षी की टीम है, और यहाँ पे डेली 100 RT-PCR होता है, लेकिन हमें परेशानी यही होती है कि यहाँ पे लोग आते नहीं हैं टेस्ट करवाने, तो हमें पुलिस फोर्स को बोलना पड़ता है, वो लोग जबरदस्ती पकड़ के करवाते हैं, लोग अपने मन से नहीं आते हैं टेस्ट करवाने, बस तो जितने भी लोगों को पुलिस कर्मी पकड़ रहे हैं बुला रहे हैं वो लोग तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क का और मास्क का सबको टेस्ट कराना अनिवार्य है, तो ज्यादातर तो वीडियो में बिना मास्क में ही घूम रहे हैं, बिना मास्क में लोग घूम रहे हैं लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं कराना चाह रहे हैं, जागरूक तो होना होगा। हाँ, बिना जागरूक हुए टेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो फिर कितना दिक्कत का सामने भी करना पड़ता है? दिक्कत यही होता है कि कभी कभी अगर पुलिस लोग नहीं आते हैं, हम लोग खुद से जाते हैं लोगों के पास, तो लोगों से बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है उनसे, तो अभी चल रहा है? जी हाँ चल रहा है, बस 100 का टारगेट है, 100 हो जाएगा पूरा, बस होने ही वाला है, अभी तक 95 हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अमित कुमार है, अमित कुमार, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। अमित कुमार जी,